सरकोटेरे यात्रा जी। जी आपका नाम? रविंदर कोचर जी, प्रोफेसर पंजाब जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंदर जी। हाँ जी। हाँ तो बताइए आप अपनी जिंदगी के बारे में कि कैसे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद उनकी प्रेरणा पे चलते हुए आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या करिश्मा हुआ आपके साथ? सर बदलाव तो इतने करिश्मे इतने वर्णन नहीं कर सकते हम। आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इससे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, ऐसे लगता है जैसे पिताजी बैठे हुए हैं, जैसे हम रूबरू जाते थे वो बैठे हुए सुन रहे कृष्ण सारे जैसे आगे सुनते थे। जी 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 जी। मैंने तो नाम 1992 में लिया जी, मैं बिजली बोर्ड में जॉब करता था। हाँ जी, हाँ जी। अब रिटायर हो गया 2008 में। अच्छा। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद पिताजी ने सच को पत्रकार की मेरे को सेवा दी, मैं इसके लायक भी नहीं था। पिताजी ने प्रसाद देते हुए बोला भी कोई बात नहीं, आपने थोड़ा काम करना है, काम सबको ने करना है, आपने तो पेन चलाना है। हाँ जी, हाँ बस जी, आपने जी। सिर्फ ईमानदारी से काम करना है। तो तब से हम कर रहे हैं जो सतगुरु के जो नाम चर्चा करके जो सेवा होती है, जो कोई सत्संग होता है, मैं तो वो ही भेजता हूँ, दूसरी जैसी दुनियादारी की बस शिकायतें भेजता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो कोई खबर ही ना देता वो मैं भेजता हूँ, किसी का कोई काम आड़ा पड़ा हो या कोई सड़क खराब है या कोई बहुत ही मतलब कोई है गरीब, उसकी कोई फरियाद नहीं सुनता, मैं वो लगा देता हूँ। मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जो कृष्णा की बात आप बोलते हैं 2013 की बात है जी। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं आप बताइए। मेरे 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 वाइफ ना बीमार रहते थे, पर इतना भी नहीं था। हम ना जनवरी में हम सत्संग पंडारे में गए जी, 25 जनवरी का पंडारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रात को आए, रात को जब आए वो तो आपको पता है वहां से जब जाते हैं बस के पास, जब वहाँ पे वो बहुत रश बहुत होता है। हाँ जी। जब पैदल आई वो हम वहाँ जेंट्स वक्रे होते हैं तो लेडीज वक्रे होते हैं, तो वो जहाँ पहुंची ना उसको पसीना बड़ा आया रात को जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आया तो कोई बात नहीं, घर जाएंगे आप देख लेंगे। बस बस पे हम आए जो वो तो वापसी पे आके घर में बहुत रात को इसको मतलब दर्द वगैरह हुई, बीपी रहता था और थोड़ी बहुत शुगर भी थी जी। मैं क्या कोई बात नहीं, फिरोजपुर में ना या पंजाब में हमारे इतना बढ़िया हॉस्पिटल तो नहीं है। अच्छा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बताइए आप। जलंधर में ना, जलंधर में टैगोर हॉस्पिटल है, हम बस उधर चले गए। अच्छा। दिखाकर आए फिर वो कहते भी ठीक है तुम ना ईसीजी करा लो। ईसीजी करा ली, फिर बोले कहते हफ्ते बाद आओ आपको दवाई दे दी है। अच्छा। सर हफ्ते बाद गए तो फिर उन्होंने चेक किया, कहते वो एक दो वो टेस्ट लेने हैं। टेस्ट लेने के बाद वो उन्होंने, मैं अकेला ही गया था, मेरे रहते भी थे जलंधर में, मैंने उनको बताया ही नहीं, मैं कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अपने सतगुरु पर भी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने मैं उन्होंने जो करते हैं ईगो वगैरह करते हैं वो किया, उसके बाद बोलते भी ये तो भाई फॉल्ट है इनका ना, अपना स्टंट वगैरह का प्रोग्राम एक ना दो नाटक ब्लॉक है जी। मैं घबरा गया, मैं कहा सर मैं पहले हफ्ते पहले आया था, आप बोलते मैं तैयारी करके आता, आप 2-4 लाख रुपया मैं कहा लेकर आऊँ जी जी। कहते आप क्या काम करते हैं, मैं कहा मैं तो रिटायर तो गई हूँ, मेरी तो पेंशन ही है 10-15 हजार रुपए। कहते कोई बात नहीं, आप हमारे हेड को मिल लो जी। मैं आप उनके हेड के टैगोर हॉस्पिटल में उनको मिला, मैं कह सर देखो मालिक का चश्मा देखो। मैं उनके पास गया, मैं पहले तो घबरा गया, मैं दो हॉस्पिटल है, एक उनका हार्ट का है, एक जनरल हॉस्पिटल है जी। मैं जनरल हॉस्पिटल में चला गया, अभी कहा मैम कहने वो तो दूसरी और है वहां डिपार्टमेंट है, वहां उनके पास जाओ। तो मैं गया, कहते आपका नाम रविंदर है? मैं कहा हाँ जी सर रविंदर कोचर, मैं फिरोजपुर से आया हूँ। कहते आपका फोन आ गया। अच्छा। फोन किसने किया आपको? कहते आपका फोन आ गया, कोई बात नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं? मैं कहा मेरे पास 10-15-20 हजार होंगे, कितने पैसे लगेंगे? कहते पैसे तो 3 लाख लगेंगे। मैंने कहा भी चलो थोड़े मोटे मैं दे देता हूँ, बाकी मैं अपने रिलेटिव को बुला लेता हूँ। कहते कोई बात नहीं, आपका फोन आ गया। अच्छा। आप ऑपरेशन करा लो, जितने पैसे है दे दो, बाकी बाद में दे देना। जी जी जी। सतगुरु ने ना मैं बाहर जाके बैठ गया, मैं सोचने लग गया सतगुरु ने मेरे को दर्शन दिए, जो स्वरूप मैं चाहता था वो सफेद पिताजी का जो पहला स्वरूप वो फ्लीट डाले हुए। कहते बेटा घबराना नहीं, हम हैं, पैसे की कोई परवाह नहीं, ये तो हाथ 25 जनवरी को आप जाते हो अपने भंडारे पे जी। जो मतलब सर्दी में ये सारा जो किया है ना आपको दिखाने के लिए किया है, आप देखते आप परवाह नहीं करते, साथ है ये करा ले बस ऑपरेशन। अब तो भी मैं बैठ गया सिमरन के लिए, तो उन्होंने शुरू कर दिया
मेरे लोकल उसे रिश्तेदार थे, मैंने बुलाया मेरा मतलब सानी ला, मेरे ना मतलब बेटी वहाँ पे शादी जलंधर में की हुई है, जॉब करते मौके वहाँ से आए, कहते पापा हम आ रहे हैं कोई बात नहीं पैसे दे देते हैं। अच्छा। तो एक घंटे दो घंटे में उन्होंने परेशन कर दिया, कहते एक ट्रैक्टर से काम चल गया। देखो सतगुरु की कृपा, हम तो देना दे नहीं सकते। सही बात है। उन्होंने पैसे भी 10,000 मैंने दिया, बाकी कहते कोई बात नहीं आ जाएंगे दे दिए हमने, चलो कल सेपरेट है। देखो फोन किसने किया, कौन करने वाला, कोई हमको जानता नहीं हॉस्पिटल में कोई कुछ नहीं। कहते वो ना आपके हेडर मेरे ना डॉक्टर ने फोन कर दिया, उनका मतलब ना सीरियस है उसको करना पड़ेगा जी, पैसे की कोई बात नहीं। देखो सतगुरु तो उसको अभी कश्मीर तो इतने हैं मान लगे हम देना नहीं दे सकते। सही बात है। जो लोग ये प्रोपोगेंडा करते हैं हाँ जी, हम बड़ा गुस्सा आता है। देखो या जे आप सत्संगी हो, जे आप सेवादार हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? वो तो सब देख रहा है, वो तो गया है अपनी मर्जी से, आएगा अपनी मर्जी से, बिल्कुल कौन रोकने वाला है, कौन रोकने वाला है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। परेशान जरूर होता है ये प्रोपोगेंडा जो करते हैं बात, क्योंकि बहुत आपकी बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, बिल्कुल आपका शुक्रिया जी। सतगुरु तेरे ही आशा।